साथियों, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए केंद्र सरकार गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, शोषितों, आदिवासियों, महिलाओं, नौजवानों, हर वर्ग को सशक्त करने में जुटी है। इसी सोच के तहत आज दो बड़े शिक्षण संस्थानों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इसमें एक महिलाओं से जुड़ा है और दूसरा हमारे आदिवासी समाज से। रामगढ़ में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का आज उद्घाटन हुआ है। वहीं हजारीबाग की आचार्य विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज का शिलान्यास किया गया है। साथियों, झारखंड महिला सशक्तिकरण मामले में हमेशा अग्रणी रहा है। हजारीबाग की बेटी कैप्टन शिखा सुरभि ने गणतंत्र दिवस की परेड में बाइक पर जो हुनर दिखाया, उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। रामगढ़ का महिला इंजीनियरिंग कॉलेज भी कैप्टन शिखा सुरभि जैसी अनेक बेटियां देश को देने वाला है, जो नए भारत के नए संस्कारों का सृजन करेगी। ये पूर्वी भारत में पहला और देश का तीसरा कॉलेज है जहां सिर्फ बेटियां ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार आदिवासी समाज को शिक्षा और कौशल से जोड़ने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। स्कूली शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा, आदिवासी समाज के युवा साथियों को हर प्रकार की सहायता दी जा रही है। आचार्य विनोबा भावे विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज के बनने से यहां के समाज और संस्कृति को विस्तार से जानने और आने वाली पीढ़ियों तक समाज के संस्कारों को पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार झारखंड सहित देश के तमाम आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। झारखंड में ऐसे करीब दो दर्जन स्कूल शुरू हो चुके हैं और 70 नए स्कूल खोलने पर काम चल रहा है।